हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका टेक्निकल अंकित। मैं और मेरा नाम है अंकित, और आज की वीडियो आईफोन यूजर्स के लिए होने वाली है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, आईओएस 18 अपडेट जल्दी आने वाला है, और इस बार आईफोन वालों ने आईओएस 18 अपडेट में काफ़ी सारे चेंजेस करे गए हैं और काफ़ी सारे न्यू फीचर्स भी ऐड करे गए हैं। और गाइस, जो ये फीचर्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको आईओएस 18 के न्यू फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ और मेन मेन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चलते हैं iOS 18 के उन न्यू फीचर्स की लिस्ट की तरफ। तो गाइस, यहाँ जो हमारा फर्स्ट फीचर आता है वो आता है एप्पल इंटेलिजेंस का। तो गाइस, आईफोन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा फीचर ऐड किया गया है यहाँ इस iOS 18 अपडेट में, जो कि एप्पल इंटेलिजेंस का। तो गाइस, इस फीचर में बेसिकली है क्या, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे यहाँ एंड्रॉइड में एक फीचर चल रहा है जिसमें आप कोई से ही फोटो पे ड्रॉ करोगे, सर्कल करोगे, तो आपके सामने उसके रिलेवेंट, उससे रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। तो गाइस, इस बार यही फीचर ऐड कर दिया गया है iOS 18 में, जो कि सबसे बड़ा फीचर है iOS 18 में। तो गाइस, ये फीचर्स खाली iPhone 15 Pro, iPhone 50 Pro Max, इन दोनों ही डिवाइस में वर्क करेगा। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि आता है कस्टमाइजेशन का। तो गाइस, इस फीचर में है क्या, यहाँ आप अपने आईफोन की स्क्रीन के जो एप्स होते हैं और विजेट होते हैं उन्हें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे और रीअरेंज कर पाओगे। तो गाइस, बात करें अपने ऐप्स के न्यू लुक के बारे में, तो गाइस इस बार iOS 18 में आप अपने ऐप्स को भी चेंज कर पाओगे, उनका कलर अपने हिसाब से चेंज कर पाओगे और कस्टमाइज कर पाओगे अपनी एप्लीकेशंस को। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि आता है हमारा फेस आईडी को लेके फोटोज के ऊपर। तो गाइस, अब आप अपने फ़ोन की गैलरी में जो फोटोज होती हैं उन पे आप प्राइवेसी लगा सकते हो अपने फेस आईडी के थ्रू। तो गाइस, ये भी एक फीचर है ऐड किया गया है iOS 18 अपडेट में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर्स की तरफ, जो कि है कंट्रोल सेंटर के ऊपर। तो गाइस, ये भी काफ़ी बड़ा अपडेट है iOS 18 में, जो कि किया गया है कंट्रोल सेंटर के ऊपर। तो गाइस, कंट्रोल सेंटर पूरा चेंज कर दिया गया है यहाँ इस iOS 18 अपडेट में। यहाँ आप लेआउट देख पाओगे, यहाँ आप देख सकोगे इमेज के थ्रू पूरा कंट्रोल सेंटर चेंज कर दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हो। और गाइस, यहाँ आपको एक कंट्रोल गैलरी भी देखने को मिलती है जिसमें आप और भी कंट्रोल्स ऐड कर पाओगे अपने कंट्रोल सेंटर में। तो गाइस, ये भी काफ़ी बड़ा चेंज है जो कि कंट्रोल सेंटर में किया गया है। और गाइस, आप उनके साइज भी सिलेक्ट कर पाओगे, उनका साइज भी चेंज कर पाओगे और उन्हें रीअरेंज भी कर पाओगे अपने कंट्रोल सेंटर में। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि आता है फोटोज के लोगों। तो गाइस, इस बार iOS 18 अपडेट में आपके फ़ोन की गैलरी को पूरा रीडिज़ाइन कर दिया गया, पूरा डिज़ाइन चेंज कर दिया गया और आपको कुछ इस टाइप की गैलरी देखने को मिलती है। और गाइस, आपके फ़ोन की गैलरी में आपकी मेमोरी के हिसाब से एक लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी और गाइस, आपको उसी के हिसाब से आपकी फ़ोटोज दिखाई जाएंगी। और गाइस, बात करें एक और लाइब्रेरी की, तो गाइस जो आपकी फेवरेट फ़ोटो होंगी जिसे आप पिक करोगे वो आपके सबसे फ्रंट में दिखाया जाएगा। तो गाइस, ये भी एक iOS 18 अपडेट में फीचर ऐड किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि आता है मैसेजेस को लेके। तो गाइस, इस बार आपको एक न्यू फीचर देखने को मिलेगा अपने मैसेज के ऊपर। तो गाइस, जो आप टेक्स्ट करते हो उसमें बोल्ड और इटैलिक अंडरलाइन को ऐड किया गया है जिससे आपके मैसेज क्रिएटिव दिखे। तो गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि आता है मैसेजेस को ही लेके। तो गाइस, मैसेजेस में और चेंजेस करे गए हैं। तो गाइस, अगर आप किसी को टेक्स्ट करना चाहते हो पर गाइस आप चाहते हो उसे वो टाइम पे ही सेंड हो, तो गाइस आप उसमें एक स्केड्यूल सेट कर पाओगे, एक टाइम सेट कर पाओगे। आप चाहते हो उसे 12 बजे सेंड हो और आप 9 बजे टाइप करते हो तो आप उसमें एक स्केड्यूल सेट कर पाओगे और तभी आपका वो मैसेज सेंड होगा। तो गाइस, ये भी एक काफ़ी बड़ा फीचर ऐड किया गया iOS 18 अपडेट में। तो गाइस, एंड्रॉइड वाले तो बोल रहे होंगे ये फीचर हमारे पहले था, पर iOS 18 वालों के और आईफोन वाले के लिए एक बड़ा फीचर है। तो गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि आता है पासवर्ड ऐप्स को लेके। तो गाइस, इस बार आप अपने आईफोन में आप अपनी एप्लीकेशन पे पासवर्ड लगा पाओगे, अपने हर एक फोल्डर पासवर्ड लगा पाओगे, उसे एक ही जगह क्रिएट कर पाओगे और गाइस आप अपनी हर चीज को एक ही जगह स्टोर कर पाओगे, उसमें प्राइवेसी लगा पाओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ, जो कि आता है गेम मोड को लेके। तो गाइस, अगर आप अपने आईफोन में गेमिंग कर रहे हो, कोई सा भी गेम प्ले कर रहे हो, पबजी प्ले कर रहे हो या फ्री फायर प्ले कर रहे हो, तो गाइस अब आप देख सकोगे जब आप अपना फ़ोन मिनिमाइज तब आपका गेम हट जाता था, पर गाइस इस बार गेम मोड में चेंज करे गए। अगर आप अपना बैकग्राउंड से मिनिमाइज कर देते हो तब आप दोबारा से लगाते हो तो आपका फ़ोन वहीं से प्ले होगा और गाइस आपका फ्रेम रेट भी कम नहीं होगा और आप कंटिन्यूस गेम प्ले कर पाओगे।
अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि आता है हमारा आखिरी फीचर, जो कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेके। तो गाइस प्राइवेसी और सिक्योरिटी को रीडिजाइन कर दिया गया, आपको कुछ इस टाइप का देखने मिलता है और काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी बढ़ा दी गई है इस बार आईफोन में। तो गाइस ये थे कुछ आईफोन के फीचर जो कि iOS 18 में ऐड करे गए हैं। और गाइस ये मैंने आपको मेन फीचर्स बताए हैं, वैसे तो काफ़ी सारे फीचर ऐड करे गए हैं छोटे मोटे, पर मैंने यहाँ आपको मेन फीचर्स बताए हैं जो कि टॉप के फीचर्स हैं। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।